एनईबी में एक और बात बोली जाती है कि जैसे कि 60% क्लासेस आपके ऑफलाइन होंगे और 40% ऑनलाइन होंगे। अब आप देखिए, जब कोरोना खत्म हो गया तो तब भी प्रोफेसर ये एक्सक्यूज दे रहा है कि हीट वेव चल रही है, बारिश हो रही है, तो ये पूरा जो है पूरा इस मोड को ऑफलाइन से ऑनलाइन शिफ्ट किया जा रहा है। तो ऑनलाइन जब शिफ्ट होगा तो कुछ जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं जैसे अनअकैडमी हो गया, बायजूस हो गया, जो कोई भी जैसे एजुकेशन जैसे CUET की तैयारी कराएगा या MBCET की तैयारी कराएगा तो उसमें उनका फायदा है, वो पूरे प्राइवेट प्लेयर्स आ जाएंगे इसके बीच में। नमस्कार, मैं पूजा, आप देख रहे हैं जनहित आवाज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर और आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से सारे स्टूडेंट्स, प्रोफेसर और जगह जगह से सभी जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर मौजूद हैं। जगह जगह से यहाँ पर जो MP तक है बिहार से, वो तक भी आए हैं यहाँ पर। मनोज झा जी हो, चाहे मनोज मंजिल जी हो, सभी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। प्रोफेसर रतन लाल तक यहाँ पर आए हैं। क्यों आए हैं अभी यहाँ पर, और भी छात्रों से हम बात करेंगे। यहाँ छात्र जो है रोल बैक NEP, आप सामने देख सकते हैं रोल बैक NEP के अगेंस्ट यहाँ पर लगातार ये छात्र जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लगातार ये कभी विश्वविद्यालय पर प्रोटेस्ट करते हैं तो कभी जंतर मंतर पे। अभी जितने भी यह छात्र आप देख रहे हैं उसी के अगेंस्ट यहाँ पर आए हुए हैं। क्यों आए हुए हैं इन्हीं से जानेंगे। आखिर नई शिक्षा नीति में ऐसा क्या है, क्या कुछ है जिससे ये लोग खिलाफ हैं। क्या नाम है आपका? Hello, I'm Hemaswata and I'm from the press itself, so it will be better if you don't ask me because it will be very difficult for me to give an opinion as such. So we are from the press itself. Okay. तो अभी अब यहाँ पे काफ़ी लोग जो है प्रेस से भी मौजूद है, स्टूडेंट्स भी हैं, तो जान लेते हैं। क्या नाम है आप? नीरज। ये नई शिक्षा नीति से क्या नाराज़गी है, आखिर क्यों आप लोग नाराज़ हैं? तो जो आधी आबादी से ज़्यादा एक बड़ी संख्या जो बहुजन तबके की है, जहाँ सोशल जस्टिस की बात होनी चाहिए, उस शिक्षा में हम एक तरह से कॉर्पोरेटाइजेशन और एक तरह से फासिस्ट और कैपिटलिस्ट माइंडसेट की अगर एजुकेशन लाएंगे तो कहाँ से हम एजुकेशन को प्रमोट कर पाएंगे? हम कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करेंगे, हम पूरी दुनिया में जाएंगे, कैसे जाएंगे? जहाँ की एक बड़ी आबादी आपकी आधी जनसंख्या से ज़्यादा गरीबी रेखा के नीचे और बहुजन समाज जो दलित समाज है, तो जब तक उसको आप मेन स्ट्रीम में नहीं लाएंगे शिक्षा के थ्रू, तो कैसे आप कोई डेवलपमेंट कर पाएंगे? NEP में शिक्षा, न्यू शिक्षा नीति जो NEP है, राष्ट्रीय नेशनल पॉलिसी, इसमें दिया गया है कि उच्च गुणवत्ता की जो पढ़ाई है वो दी जाएगी, समानता की जो अधिकार है वो तक भी दिया जाएगा, शिक्षा जो है समान दी जाएगी। देखिए, उच्च गुणवत्ता तभी आएगी, जो डॉक्टर BR अम्बेडकर और ज्योतिबा फुले ने बार बार कहा है, जब तक सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक कैपिटल की बात नहीं होगी। इकोनॉमिक कैपिटल मीन फ्री एजुकेशन, सोशल कैपिटल मीन सोशल जस्टिस। जब तक क्या नाम है, एक स्कूल में हर तबके का टीचर नहीं हो, शिक्षा नीति को प्रोडक्ट बना के जो है पेश किया जाए। बिल्कुल, मेनली हम इसमें जो ह्यूमन रिसोर्स बना रहे हैं कॉर्पोरेट का प्रोडक्ट बना रहे हैं, हम वो एजुकेशन नहीं दे रहे हैं कि मैं जिस एजुकेशन से निकल के जाऊं अपने समाज, समुदाय और उनके राइट्स की बात कर पाऊं। आज सिंपल सी बात है, कोई भी एजुकेशन का जो प्रोडक्ट निकल रहा है, चाहे IAS या PCS हो या कोई भी, उन समाज से आते हैं, उस कहीं ना कहीं उनको हम प्रोडक्ट बना देते हैं। हम अपनी पॉलिसीज को उन्हीं के, वो अपनी बात तक नहीं रख पाते हैं वो जो तबकों से आते हैं, क्योंकि हम अपनी जो भी पॉलिसीज आती हैं उसको थोप देते हैं। ज्योतिबा फुले बार बार कहते थे, जब तक श्रम को पढ़ाओगे नहीं तब तक श्रम के प्रति सम्मान नहीं होगा, और जब श्रम के प्रति सम्मान नहीं होगा तो उनके लिए कभी किसी के दिल नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है कि हमारी एजुकेशन पॉलिसी, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें जो बची खुची थी वो भी खत्म कर दिया। क्या नाम है? मणिकांत। मणिकांत, हाँ, मणिकांत। मणिकांत जी, क्या आपको लगता है ये फासिज्म का एक नया पैतरा है NEP? हाँ, इस तरीके, बिल्कुल बिल्कुल। क्या ऐसा लगता है, कहना है? जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी का एक एजेंडा ये भी है कि पूरा सिलेबस को सेंट्रलाइज किया जाए। उस सिलेबस में क्या होगा, हिस्ट्री राइटिंग आप देख रहे हैं एक बहुत बड़ा एजेंडा है, उसी तरह पूरा एग्ज़ाम का पैटर्न भी, जो इंट्रेंस एग्ज़ाम है वो भी एक CUET किया जा रहा है, उसमें भी पूरा आपका सेंट्रलाइजेशन होगा। सेंट्रलाइजेशन में पूरा आपका सिलेबस एक सेंट्रलाइज होगा, उस इंट्रेंस एग्ज़ाम में क्या पूछेगा उसी से रिलेटेड पूछेगा, तो बाय द फोर्स हम लोग को पढ़ना ही वही पड़ेगा। पढ़ने की बात है तो उसके लिए थोड़ा बैठना पड़ेगा, 280 पेज के ड्राफ्ट हैं, तो अगर हम लोग बैठें, पढ़ें, समझें तो उसको समझ सकते हैं। वो सबसे पहले तो ये है कि मल्टी एग्जिट पॉइंट रखे हुए हैं, नहीं जैसे कि अभी बात हो रही थी कि उसमें
जो लैंग्वेज जो है ना, जैसे कि आप देखेंगे कि एक खास क्लास है नहीं जो अपने बच्चों को, DPS खुला हुआ है इस देश में, लोयला खुला हुआ है इस देश में, तमाम तरह की यूनिवर्सिटीज हैं, और वहाँ पे जो हाई फी पे कर रहे हैं वो बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, एक सिंपल सी बात मैं कह रहा हूँ। वहीं पे जो बच्चा जो है वो वर्नाकुलर लैंग्वेज में पढ़ेगा, अब जब वर्नाकुलर लैंग्वेज में पढ़ेगा तो एक तो वहाँ पे अभी तक ट्रांसलेट ही नहीं हुई है किताबें, सबसे जो बड़ी बात यह है कि वहाँ पे अच्छे, अभी भी अभी डिबेट चल रहा था जैसे आपने बोल रहे थे, तो अच्छी किताबें ट्रांसलेट ही जब नहीं होंगी तो कोई पढ़ेगा क्या? बोला जा रहा है कि मतलब शिक्षा नीति ये बाजारीकरण किया जा रहा है, पर क्या वाकई में बाजारीकरण हो रहा है? बाजारीकरण मतलब क्या, बाजारीकरण से क्या तात्पर्य है आपका? इसको बाजार में पेश करके पैसे का जो बोला जाता है बाजारीकरण, यानी कि मार्केटिंग हो रही है शिक्षा की, क्या ऐसा कुछ है? अगर शिक्षा का फी बढ़ा देंगे आप तो ऑटोमेटिकली वो बाजारीकरण हो जाएगा, आप नहीं पढ़ पाएंगी, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, कोई बहुत सारा बच्चा नहीं पढ़ पाएगा, इसलिए देश की हालत जो है वो जब जैसे ही हम पे करने वाले मुद्दे पे आएंगे ना तो हमारी बाइंग कैपेसिटी बहुत कमज़ोर है, नहीं तो बाइंग कैपेसिटी जब कमज़ोर है तो हम शिक्षा जब बाजार की चीज़ हो जाएगी कि जैसे मान लीजिए कि ब्रांडेड हो गए तो नहीं खरीद पाएगा। जैसे अभी मैं एक बच्चे से मिल रहा था, कोई एक बच्चा था यहाँ पे, वो किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी और कॉलेज में पढ़ता है, वो बोल रहा था कि 10 लाख रुपये उसकी फ़ी है, अब अभी कौन दे पाएगा? अभी यहाँ पर और भी छात्र हैं, उनसे भी हम धीरे धीरे बात करेंगे, अभी लगातार जो छात्र मिल रहे हैं उन्हीं से हम बात कर रहे हैं किस तरीके की हायर एजुकेशन के द्वारा पिछले और पिछड़े तबके के बच्चों को और छात्रों को, ताकि वो शिक्षा प्राप्त ना कर सके, इस तरीके का एक एजेंडा चलाया जा रहा है। ये भी हमारे साथ छात्र हैं, आपका नाम क्या है? शम्स नाम है मेरा। शम्स, क्या कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं NEP को लेकर? नहीं, यहाँ पे हम एजुकेशन पॉलिसी के खिलाफ है, तो आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब पढ़ेंगे तो उसमें ये बोला गया, जैसे पहले UGC होता था तो UGC क्या करता था, हमारा जो कमीशन जो यूनिवर्सिटी को पैसा मिलता उसको ग्रांट करता था, अब उसको रिप्लेस कर दिया हेफा के, तो हेफा में ये हुआ कि आपको यूनिवर्सिटी को वो लोन देगा, जैसे हम JNU से, और JNU को पहले ही 450 करोड़ का उन्होंने लोन दे रखा है, तो अभी जो लोन देंगे तो छात्रों के वापस लिया जाएगा, तो जब वो वापस लिया जाएगा तो उससे ऑब्वियसली फीस जो है वो फीस बढ़ेगी। उसके अलावा दूसरी दिक्कत है ये, जैसे CUET, पहले हर यूनिवर्सिटी का अपना अलग कल्चर रहा है, जैसे JNU किसी स्पेशलाइजेशन अलग चीज़ में रहा है, DU का अलग रहा है, तो CUET के जरिए कि आपको एक कॉमन फॉर्म भरना होगा, उसके बाद फिर आप CUET का एक और फॉर्म भरने का, वो दिक्कत हो जाती काफ़ी, तो यही सब दिक्कतें हैं इसके खिलाफ है। जो मेजर कंसर्न जो NEP में यही है कि जो जिस तरीके से उसको बनाया गया है कि जो मार्जिनलाइज सेक्शन से लोग हैं, जैसे जो बिहार से के गाँव से हैं, UP के गाँव से हैं, वो नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उसमें आप देखेंगे तो उसमें इंग्लिश का वेटेज जो CUET है उसमें इंग्लिश का वेटेज काफ़ी बढ़ा दिया है, तो ऑब्वियसली अब जो बच्चे गाँव से हो तो उनका इंग्लिश अच्छा नहीं हो पाता, तो आप ये देखेंगे सिर्फ जो इलीट परिवार से, जो पहले प्रिविलेज खानदान पैसे वाले लोग हैं वही आगे बढ़ पाएंगे, इसी के खिलाफ हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों का कहना है ये NEP नीति नहीं है, ये नेशनल एजुकेशन नीति नहीं है, ये राजनीति नीति है। जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, ऑब्वियसली कैसे अब इस तरह ही है, क्या कहते हैं कि जैसे हम लोग ने आपने बताया, क्या कहते हैं कि इसमें कुछ मार्जिनलाइज सेक्शन के लोग नहीं आ पाएंगे, तो हमारा जो यूनिवर्सिटी जो बनी है कि JNU जैसी जो संस्थान है वो किस लिए जानी जाती है, कि पिछड़े से पिछड़े लोग, कम से कम जिनका जो, और जैसे DU जैसे ये जो प्राइवेट कॉलेजेस MET जो इसकी यूनिवर्सिटी अफोर्ड नहीं कर पाते, फीस अफोर्ड नहीं कर पाते, वो यहाँ पे आ सके, लेकिन जब इसकी भी फीस बढ़ा देंगे, जैसे आपने पहले यहाँ पे फीस हाई का प्रोटेस्ट हुआ था JNU में, उसकी भी अगर फीस बढ़ा दी जाएगी काफ़ी, तो वो कैसे आके यहाँ पे पढ़ पाएंगे? उसके बाद फिर आप इंग्लिश का वेटेज बढ़ा देंगे तो इंग्लिश के जो ऑब्वियसली जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो वो इंग्लिश कैसे कर पाएंगे? ऑब्वियसली वो आ नहीं पाएंगे, क्वालिफाई कर नहीं पाएंगे, तो फिर एक ही तबके के लोग ही इसमें क्वालिफाई कर पाएंगे, इसी के खिलाफ हमारा। NEP में एक और बात बोली जाती है कि जैसे कि 60% क्लासेस आपके ऑफलाइन होंगे और 40% ऑनलाइन होंगे। हाँ, इससे पहले हमारा क्या था कि हमारी जो पूरी क्लासेस ऑफलाइन होती, लेकिन कोरोना के जब आया तो कोरोना के बाद से एक वही मिला ऑल्टरनेटिव कि आपको हमने ऑनलाइन क्लास मिल गई, लेकिन अब आप देखिए जब कोरोना ख़त्म हो गया तो तब भी प्रोफेसर ये एक्सक्यूज़ दे रहा है कि हीट वेव चल रही है, बारिश हो रही है, तो ये पूरा जो है पूरा इस मोड को ऑफलाइन शिफ्ट करना जा रहा है, तो ऑफलाइन से ऑनलाइन शिफ्ट किया जा रहा है, तो ऑनलाइन जब शिफ्ट होगा तो जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं जैसे अनअकैडमी हो गया, बायजूस हो गया, जो कोई भी जैसे एजुकेशन जैसे CUET की तैयारी कराएगा या MBC CAT की तैयारी कराएगा तो उसमें उनका फ़ायदा है, वो पूरे प्राइवेट प्लेयर्स आ जाएंगे इसके बीच में, तो ये ऑनलाइन भी ऑनलाइन को जैसे जो 40% ऑनलाइन जो दिया गया है उसके भी खिलाफ हम लोग हैं कि पूरा जो अच्छी बात तो है ऑनलाइन किया जा रहा है, आपको बैठे बैठे आप ऑनलाइन ले सकते हैं, डिजिटल हो रहा है इंडिया।
ये अच्छी बात तो होगी जब हम कोरोना में अपने घर में बैठे, लेकिन अभी कोरोना नहीं ना, लेकिन अभी भी आप देखेंगे कुछ कुछ हमारे ऐसे जेएनयू में भी, वहाँ पे भी अभी कोई सेंटर, ज़्यादातर सेंटर अभी भी ऑनलाइन कर रहा है, क्लास पढ़ा रहा है। तो उसमें ये है, ऑनलाइन आदमी कितना पढ़ लेगा वहाँ पे, उसके बाद अभी जब कोरोना होगा तब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, लेकिन अभी हमारे पास रास्ता है। तो अभी भी प्रोफेसर ये बहाना दे रहा है कि हीट वेव चल रही है, बारिश हो रही है, हम नहीं आ पाएंगे। और उसके जैसे हमने एक और रीज़न बताया कि इसमें प्राइवेट प्लेयर्स आ जाएंगे, जैसे बायजूस है, एन अकेडमी है, तो जब ये सब इन्वॉल्व हो जाएगा तो इसमें से उन्हीं का नुकसान, उन्हीं का फ़ायदा है। अब जो बच्चे घर से पढ़ेंगे, अपनी खुद की तैयारी करेंगे, फिर कैसे उनकी कम्पीट कर पाएंगे, ये सारी प्रॉब्लम, मतलब ऑनलाइन से ये सब समस्याएं हैं। सिर्फ इतनी ही समस्याएं या और भी कुछ समस्याएं हैं ऑनलाइन? आपको मोटे मोटे तौर पे ये सारी समस्या, बड़ी बड़ी समस्या ये गिरा दी। अब उसके अंदर आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर और भी काफी समस्याएं हैं। अभी लगातार हम जो छात्रों से बात कर ही रहे हैं कि किस तरीके से ऑनलाइन जो है शिक्षा के बहाने से, इस तरीके से बच्चों, अब जो छात्रों की शिक्षा के ऊपर जो प्रहार किया जा रहा है, जिस तरीके से वो शिक्षा ना ले पाए, जिस तरीके से छोटे और कुचले तबकों से जो छात्र आते हैं वो ना पढ़ पाए, क्योंकि कितना ही मजदूरी करके एक पेरेंट्स अपने बच्चे को एक पढ़ाने भेजता है स्कूल तक, तो वो कहाँ से इस शिक्षा नीति के चलते कहाँ से ये फ़ोन और ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करवा पाएंगे। इस तरीके की छात्रों की कहना है, और लगातार अभी जो है छात्र और भी हैं, लगातार मैं बात करती रहूँगी। इसी के साथ आप देख रही है मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ, मैं पूजा, नई दिल्ली।